चुप नहीं रहना, चुप नहीं रहना, हमसे कहना, हमसे कहना, चुप नहीं रहना, चुप नहीं रहना, हमसे कहना, हमसे कहना, गांव में हर बच्चे की सुरक्षा हमको करना, गांव में हर बच्चे की सुरक्षा हमको करना। ये सुनील जी हैं और ये मीनाक्षी जी हैं, ये हमारे गांव में बाल संरक्षण समिति के कार्यों के बारे में हमें समझाने आए। जी हाँ, हम इस समिति के कार्यों और जिम्मेदारियों की जानकारी देने आए हैं। सरपंच जी, नई समिति की क्या जरूरत है, गांव में तो पहले से कितनी सारी समितियां हैं। बच्चों के लिए गांव में स्कूल, आंगनबाड़ी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जैसी संस्थाएं हैं, फिर नई समिति क्या काम करेगी? दीदी, हमारे गाँव में बलदेव है ना, उसके चारों बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे। जब हम पिछली बार मिले थे तब हमने इस विषय पर चर्चा भी की थी और सरपंच जी ने बलदेव के बच्चों को स्कूल में भेजने का मन बनाने के लिए हमारी मदद भी की थी। अब बलदेव अपने बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए राजी भी हो गया है। ये तो हर गरीब घर की कहानी है, बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेवारी तो उनके माँ बाप की होती है। दीदी, इन्होंने हमें बताया कि समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत समुदाय आधारित बाल संरक्षण तंत्र का गठन किया जा रहा है। इसके तहत बाल संरक्षण समितियों की स्थापना की जा रही है और इस दिशा में हमने भी प्रयास शुरू किए हैं। इसमें आंगनवाड़ी दीदी, अध्यापक, एएनएम कार्यकर्ता, आशा वर्कर, पंचायत के सदस्य और बच्चों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अभी बच्चों के प्रतिनिधि, अभी बच्चे कमेटी में क्या करेंगे? हम कमेटी में गाँव के बच्चों के प्रतिनिधि हैं। हम अपने समूह द्वारा बच्चों की जरूरतों और समस्याओं को समझते हैं और इसकी जानकारी हम सीधा बाल संरक्षण समिति को देते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए बाल संरक्षण समिति द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों और विविध योजनाओं की जानकारी हम और बच्चों तक पहुंचाते हैं। अरे वाह अमर और अम्मू, आप दोनों तो बड़े होनहार हैं। चलिए अब हम ये जान लें कि बाल संरक्षण समिति किस तरह से अपना काम कर सकती है। ये समिति हर माह बैठक करके बच्चों से जुड़ी समस्याओं और उसके सुझावों पर चर्चा करती है और इस बैठक का मूल उद्देश्य होता है कि वो जरूरतमंद और जोखिम से जुड़े बच्चों की पहचान करे, जैसे कि स्कूल ना जाने वाले, अनाथ और उपेक्षित बच्चे। ऐसे बच्चों की पहचान करके उनको सही योजनाओं का लाभ दिलवाना या उचित सरकारी योजनाओं के साथ जोड़कर उनकी सहायता करना इस समिति का प्रमुख कार्य है। जो समस्याएं गांव स्तर पर नहीं सुलझ सकती उनको सुलझाने के लिए उचित जिला अथवा ब्लॉक स्तर के कार्यालय को कार्यवाही करने के लिए बाल संरक्षण समिति निवेदन लिखती है। जरूरतमंद बच्चों को उचित सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए भी ये समिति प्रयास करती है। इसके अलावा समिति बाल सुरक्षा के मुद्दों को ध्यान में रखकर गाँव में प्रचार और जागृति का काम करती है, जैसे कि स्कूल भर्ती अभियान, जन्म पंजीकरण अभियान, बाल अधिकार सप्ताह का आयोजन। मुझे लगता है इसलिए हमें समिति की कार्य योजना भी बनानी चाहिए। हमें निश्चित करना होगा कि हमें हर महीने क्या क्या काम करने हैं। सभी जिम्मेदारियों को हम आपस में बांटकर अगले महीने काम की प्रगति का लेखा जोखा लेंगे। मीटिंग के मुद्दों को एक रजिस्टर पर लिख कर भी रखेंगे। सरपंच जी, इसमें हमें गाँव के बाकी के संगठनों की भी मदद ले लेनी चाहिए, जैसे कि बाल संगठन, युवा संगठन, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और महिला संगठन, इन सबकी हमें मदद ले लेनी चाहिए। मीनाक्षी जी, सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बच्चों की सुरक्षा के बारे में हमें इतनी सारी जानकारी दी। अच्छा सरपंच जी, अब हम चलते हैं। ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति क्या है? यह एक ग्राम स्तरीय समिति है जो बच्चों के अधिकारों की रक्षा करती है तथा इन अधिकारों के बारे में लोगों को जागरूक करती है। इस समिति की कानूनी मान्यता क्या है? यह समिति भारत सरकार की समेकित बाल संरक्षण योजना इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम ICPS के तहत बनाई गई है। इस समिति के सदस्य कौन होते हैं? इस समिति में सरपंच,
पंचायत सदस्य, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ANM कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, गांव के सामाजिक कार्यकर्ता, स्कूल टीचर और बच्चों के दो प्रतिनिधि होते हैं। बाल संरक्षण समिति की भूमिका और जिम्मेदारियां क्या हैं? बच्चों का शोषण, उपेक्षा, उत्पीड़न तथा हिंसा से बचाव करना और गांवों में बच्चों को बाल संरक्षण के विषय में जागरूक करना, जरूरतमंद बच्चों की पहचान करना और उन्हें संबंधित अधिकारी, विभाग तथा योजनाओं से जोड़ना, बच्चों को शारीरिक, मानसिक, लैंगिक तथा शाब्दिक उत्पीड़न से सुरक्षित रखना और ऐसी घटनाओं से अपनी सुरक्षा करने के लिए बच्चों को प्रशिक्षित करना, बाल अधिकारों के उल्लंघन की घटनाओं की निगरानी करना, जानकारी लेना और उचित सरकारी संस्थाओं को इन घटनाओं के बारे में सूचित करना, बाल अधिकारों के हनन की घटनाएं रोकने के लिए निवारक कार्य करना। बाल संरक्षण समिति की कार्य प्रणाली क्या होती है? बाल संरक्षण समिति हर महीने बैठक करती है। इसके अलावा जरूरत होने पर तत्काल बैठक आयोजित करती है। गांव में बच्चों की जरूरतों और जोखिम को ध्यान में रखते हुए बाल संरक्षण समिति अपनी कार्य योजना निश्चित करती है। बाल संरक्षण समिति अपनी कार्यवाही का विवरण लिखित रूप में रखती है।